हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर रीड किया था भगवान बुद्ध। ठीक है, भगवान बुद्ध का चैप्टर था अनुपम भेंट, जिसमें हमने भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, सही या गलत का निशान लगाओ। ठीक है, फर्स्ट है मगर नरेश बिंबिसार भगवान बुद्ध के मित्र थे, हमने चैप्टर में पढ़ा है। सही, मगर नरेश भगवान बुद्ध के मित्र थे। वृद्धा ने प्रसन्न होकर बटुआ उठा लिया। गलत, क्योंकि वृद्धा को बटुआ नहीं एक अधखाया अनार मिला था। जो उन्हें एक बार देख लेता है दोबारा नहीं देखता। गलत, ऐसा नहीं था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो भी भगवान बुद्ध को एक बार देख लेता था वह उन्हें देखता ही रहता था। जमीन पर एक सड़ा हुआ अनार पड़ा था। गलत, जमीन पर एक अधखाया अनार पड़ा था, सड़ा हुआ नहीं था। उनका फैला हुआ हाथ इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने भेंट स्वीकार कर ली है। सही, ठीक है। आगे है चारों ओर गौतम बुद्ध के डैश की चर्चा थी। किसकी चर्चा थी? ज्ञान की, भगवान बुद्ध के ज्ञान की चर्चा थी। सभी श्रद्धा पूर्वक उन्हें डैश देने की इच्छा रखते थे। क्या देते थे सभी उन्हें? भेंट। आगे है भूख के कारण उसका शरीर डैश हो रहा था। वृद्धा का शरीर भूख के कारण क्या हो रहा था? बेजान सा। भूख के कारण वृद्धा का शरीर बेजान सा हो रहा था। आगे है डैश नरेश बिंबिसार भगवान बुद्ध के मित्र थे। अब बिंबिसार नरेश कहाँ के नरेश थे? मगध के। ठीक है, मगध नरेश। वृद्धा डैश दृष्टि से बुद्ध की ओर देखने लगी, याचना भरी। याचना भरी दृष्टि से बुद्ध की ओर देखने लगी। ठीक है, यहीं तक आज हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।